नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी की मार्केट में, और जिस तरह से होली का पर्व नजदीक है और ऐसे में जो व्यापारी हैं वो हल्द्वानी मार्केट में अपना जो व्यापार है वो लगाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो आज इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि इस बार होली को लेकर मार्केट में क्या कुछ खास आया है, किस तरह की रौनक हल्द्वानी की मार्केट में देखने को मिल रही है, और इस बार होली में आप किस तरह की नई चीज़ों से अपना जो पर्व है वो हर्षोल्लास के साथ मना सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए आपकी बात कराते हैं हल्द्वानी में होली पर्व पर जो व्यापारियों ने अपनी दुकानें लगाई हैं उनसे। नमस्कार भैया जी। नमस्कार, मेरा नाम विनोद गुप्ता, हल्द्वानी से ही है जी। हल्द्वानी से बिलोंग करता हूं। जैसे होली नजदीक है, बाजार पूरी रंगों से सज गई है जी, मार्केट कैसा चल रहा है? मार्केट बहुत बढ़िया चल रहा है और काफी उत्साह देखने को मिल रहा है इस बार त्योहार में, और मार्केट भी अच्छा सजा हुआ है और हमारे कस्टमर भी, इस बार मेला अच्छा चल रहा है होली का। अच्छा, और काफी उत्साह है इस बार, बड़ा उत्साह से मनाया जाएगा होली का त्यौहार। पिछले साल के मुकाबले कैसा है कारोबार? कारोबार ठीक है, पिछले साल के मुकाबले भी अच्छा है और उत्साह भी इस बार थोड़ा ज़्यादा है। तो इस बार पिछले साल कोविड की मार भी पड़ी थी पब्लिक पे, तो त्यौहार में इतना रौनक नहीं थी ना। तो मतलब कोविड के बाद जो जिंदगी है पटरी पर आ रही है? जी बिल्कुल, पटरी पे आ गई है, अच्छा चल रहा है। तो अगर मैं कलर्स की बात करूँ तो इस बार क्या कुछ खास आया है? मैम सब खास ही आया है इस बार, कलर भी हमने सारे हर्बल लगाए हुए हैं और ये अच्छे कलर है, हर्बल कलर है, ऑर्गेनिक कलर है, नए नए आइटम आए हैं मार्केट में, स्प्लेंडर आया हुआ है नया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कलर का सिलेंडर है, गुलाल निकलता है इसमें। अच्छा, और इसको पूरा एक बार में आसमान को पूरा रंगीन कर देता है। इसके प्राइस क्या रहेंगे? इसके प्राइस मैम वही 1500 समथिंग जी। और कितनी देर तक चलेगा ये? काफ़ी देर चलता है, मतलब एक बार यहाँ करेंगे तो आप आसमान को अपने कलर में रंग देता है। अच्छा जी। हर्बल कलर की आपने बात करी, इनके क्या प्राइस है? ये मैम ये 50 रुपये का 250 ग्राम, 200 रुपये के जी चल रहा है। एक ऑर्गेनिक में हमारे पास खुला हुआ वो 100 रुपये का 250 ग्राम और 400 रुपये के जी चल रहा है। बाकी और भी गिफ्ट पैक में काफ़ी क्रैकर्स वगैरह आप देख सकते हैं मैंने लगा रखे हैं, काफ़ी फैंसी आइटम हैं क्रैकर्स में, गन है। अब अगर मैं सबसे महंगी चीज़ की बात करूँ तो पूरी दुकान में सबसे महंगी चीज़ क्या है? सबसे महंगी चीज़ मैम ये सिलेंडर भी है सिंगल पीस में, मेरे पास यही महंगा है। ये ओलंपिक टॉर्च है, ये क्रैकर्स में है, ये टॉर्च है। अच्छा, जैसे हम दिवाली में क्रैकर जलाते हैं वैसे जलाते हैं, स्टैंडर्ड की है, इसकी टाइमिंग भी काफ़ी अच्छी है और ये 2200 रुपये की है। अच्छा, तो इससे होगा क्या, क्या इसकी यूज़ क्या है? इसको मैम हम आराम से हाथ में पकड़ेंगे, कलर फेस्टिवल अलग ढंग से मनाने के लिए। अच्छा, यूनिक आइटम आया है नया मार्केट में, और इसको यहाँ से हम क्रैकर्स की तरह जलाएंगे। अच्छा, तो इसमें कलर स्मोक निकलेगा पूरा, बहुत अच्छी क्वान्टिटी में निकलता है और काफ़ी देर तक निकलता है। तो ये पहली बार आया मार्केट जी? इस बार पहली बार आया, स्टैंडर्ड वालों ने निकाला है, कंपनी का है। अच्छा जी, तो डिमांड कैसी हो रही है, लोग सबसे ज़्यादा क्या पसंद कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा मैम अब कलर्स में, मतलब जितने यूनिक आइटम आ रहे हैं पब्लिक उसको ही ज़्यादा पसंद कर रही है। जो भी नया आता है कस्टमर कहता है सबसे पहले नया दिखाओ। क्या जी नया है? नया ये भी नया है, हेयर्स चल रहे हैं इस बार मल्टी कलर में, काफ़ी पसंद आ रहे हैं। और भी क्रैकर्स में बहुत आइटम है मेरे पास, बच्चों के लिए सब नए नए। बच्चों के लिए मैम मास्क आए हुए हैं, कलरफुल हेयर आए हुए हैं। और मोदी जी का भी मास्क यहाँ पे लग रहा है जी। जी मोदी जी तो बहुत पॉपुलर हैं और ये काफ़ी चल भी रहे हैं मार्केट में। मैं इसके बहुत ढेर सारे पीसेस लाया था लेकिन एक ही पीस बचा है मेरे पास, सारे बिक गए। बहुत डिमांड है मोदी जी की। अच्छा। जी पिचकारी भी लाया था मोदी जी, योगी जी वाली बहुत चल रही है मार्केट में। अच्छा। जी मोदी जी की फुल डिमांड है, फुल डिमांड है, फुल ऑन। नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? मेरा विक्की कुमार। सर जिस तरह से आप, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे तमाम तरह के रंग जो है वो आपने सजा रखे हैं, होली का पर्व नजदीक है, क्या कुछ नया इस बार मार्केट में आया है? बहुत कुछ नया आया है वैसे तो, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो ये है कि आपकी सोच है आदमी की, जो माल लेना चाहे बस। आज के टाइम में हर साल कुछ नया होली के टाइम में आता ही रहता है। अच्छा, तो चेंजिंग भी हर तरीके से आती रहती है, तो वही है कि कलर में बहुत बदलाव आया है, बहुत चीज़ में बदलाव आया है, तो इसी तरीके से मार्केट में बहुत चेंजिंग आई है। अच्छा, तो कलर्स की बात करूँ तो कलर्स में डिफरेंट कलर भी आए हैं पहले वाले ही है? नहीं नहीं, सब डिफरेंट है, खुशबू वाले भी हैं, दूर से ही पता चल जाएगा कि क्या खुशबू आ रही है, कि दूर से ही महक उड़ने लगती है हवा के साथ, वो तो ये कि चेंजिंग से ही पता चल जाता है। ये तो खैर नॉर्मली कलर हुआ जो हर कोई नॉर्मल बंदा यूज़ करता है। अच्छा, हाँ हर्बल कलर भी यूज़ कर रहे हैं? हाँ हाँ, सभी मिलेगा, सभी मिलेगा, हाँ सभी मिलेगा। अच्छा, तो वो पक्के कलर जो लगाते हैं वो भी हैं? हाँ पक्के कलर वगैरह सब मिले, वो सस्ता भी ऐसे ही 15 रुपये से प्राइस स्टार्ट हो जाता है उसका, और बाकी ऊपर रेंज ये है कि ये जिसका जैसा बजट होता है वो उसी तरीके से खरीदारी करता है अपनी। अगर मैं पूरी दुकान की बात करूँ तो सबसे महंगी चीज़ क्या है? सबसे महंगी चीज़ पूरी दुकान में बात करें तो बहुत ही आइटम होंगे, जैसे कि पिचकारियों में भी महंगाई है, और हर चीज़ को लेके सिलेंडर हो गया, जैसे कि और भी आइटम है जो
महंगे ही बैठेंगे। सबसे महंगा कितना प्राइस होगा? सबसे महंगा लगभग मान के चलो के रंग जैसे देखा जाए तो अगर किलो में देखेंगे तो 1,500-1,500 रुपये तक किलो का भी है, ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर ही बैठ जाता है। और बाकी जो है कि आदमी अपना बजट देखता है तो उस हिसाब से अपना त्यौहार बनाता है। अच्छा, तो होली को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों को? होली को लेकर तो क्या है, हमारी तरफ से तो सबके लिए होली की बधाइयाँ हैं और होली अच्छे से गुजरे हम तो यही कहेंगे, माहौल बना रहे बढ़िया से, तो इसलिए सबके लिए होली की शुभकामनाएं बनी रहे। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? जी आकाश गुप्ता। सर, होली नज़दीक है, बाजार में रौनक पूरी छा गई है, क्या कुछ खास इस बार होली के लिए आया है मार्केट? खास से बहुत चीज़ें आई हैं, जैसे ये आया है गैस सिलेंडर। अच्छा, पहले पिछले साल आया था सिंगल वाला है, डबल वाला है। अच्छा, तो इसके प्राइस क्या रहेंगे? इसे प्राइस वही 1,500 से 2,000 रुपये तक का है। और कितनी देर तक चलेगा ये? लगभग आधा एक घंटा चल जाता है। कंटिन्यू आधा एक घंटा चलेगा? हाँ, कंटिन्यू। अच्छा, तो मैं यहाँ पे कलर्स भी देख रही हूँ, अलग अलग कलर्स हैं, इनकी क्या प्राइस है? ये 160 रुपये के जी है। 160 रुपये किलो है जी। अभी रौनक कैसे देख रहे हैं, ग्राहक आ रहे हैं या फिर बंदा? अभी हल्की है, अभी हल्का ही है, रौनक नहीं है अभी। कितने दिन हो गए आपको लगाए हुए? हमने लगवाए हैं 6-7 दिन हो गए। 6-7 दिन हो गए। तो मैं बच्चों के लिए अगर देखूँ तो बच्चों के लिए क्या आया इस बार खास? बच्चों के लिए खिलौने आए हैं, छोटी छोटी पिचकारी आई हैं, भाई ड्रेस मिल जाएगी, कुर्ता मिल जाएगा, टी शर्ट मिल जाएगी, काफ़ी चीज़ें आएगी। तो हर्बल कलर्स भी आप बेच रहे हैं? हर्बल कलर्स आया ही है तोता का। अच्छा, ये फुल पैकेट है? ये फुल पैकेट है, ये 200 रुपये का है, 5 पीस हैं। 5 पीस है, पाँच कलर है। अच्छा, तो जो पक्के कलर्स आते हैं वो भी हैं आपके पास? हाँ, पक्का भी वो नीलकंठ का। अच्छा, ये नीलकंठ का है। ये कितने के हैं? ये 20 रुपये डिब्बी है। 20 रुपये डिब्बी है, दो कलर है इसमें, रेड है और ग्रीन है। तो हर साल लगाते हैं आप मार्केट? ये हर साल लगाते हैं। कैसे चलता है कारोबार? कारोबार अच्छा चलता है। अच्छा चलता है कारोबार। चलिए बताइए, अभी जो पिछले महीने हल्द्वानी में घटना हुई है, इससे क्या असर पड़ेगा आपके मार्केट पे? अभी कुछ कह सकते हैं, क्या असर पड़ता है? हर साल पड़ता है, इस बार को नहीं पड़ा, जब होंगे क्या पड़ता है असर? नमस्कार। नमस्कार सर, आपका नाम? अनिल कुमार साहू। सर, होली का पर्व नज़दीक है, पूरी मार्केट सज चुकी है, आपके पास क्या कुछ खास है मार्केट में? हाँ, मार्केट में बहुत कुछ खास आया, कलर आए, बच्चों के चश्मे हैं, बड़ों के चश्मे हैं, फेस है, मास्क है, जिसमें कि भूत का मास्क भी है, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आई हैं। गुलाल बहुत बढ़िया स्पेशल गुलाल आया इस बार, जो कि हर्बल गुलाल, बहुत पैक, बहुत बढ़िया पैक में है। अच्छा, आप देख सकते हैं 4 कलर, बहुत प्यारे प्यारे कलर आए हैं, सेंटेड गुलाल है। तो इनका प्राइस क्या? इसका प्राइस है 250 रुपए का है, मात्र 5 पीस का पैक है ये। अच्छा, तो ये हर्बल कलर है? हर्बल कलर है। और जो यहाँ पे आपने रख रखे हैं हर्बल कलर, ये भी आरा रोड में होते हैं, मिट्टी वाला कोई कलर यहाँ नहीं बिकता है। हाँ। इसमें ये 20 रुपए का 100 ग्राम मतलब किलो लेते हैं, तो उसमें और थोड़ा बहुत कम हो जाता है। स्किन को कोई नुकसान नहीं? स्किन वाला बिल्कुल कोई नुकसान वाला नहीं होगा। मार्केट तो अभी थोड़ा हल्का है, लेकिन कल परसों से मार्केट अच्छा जाने की उम्मीद है। अच्छा, बहुत बढ़िया जाए, जितना दिन पास आते रहेंगे। हाँ, पास आता रहेगा उतना मार्केट अच्छा जाएगा, बहुत बढ़िया जाएगा। पिचकारियाँ मुझे बहुत सारी दिख रही है, ये प्राइस क्या होंगे? पिचकारी 20 रुपए से स्टार्ट है, पिचकारी करीबन 1,000 रुपए तक की पिचकारी होगी। 20 रुपए से स्टार्टिंग है पिचकारी की। तो पिछले साल के मुकाबले क्या लगता है इस बार अच्छा? नहीं, अच्छा जाना चाहिए वैसे तो कोई, लेकिन अभी उम्मीद कायम है, बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी जैसा जा सकता है। जो मैं देख पा रही हूँ कि नकली जो बाल है, नकली बाल भी बहुत बढ़िया बढ़िया बाल है, देखिए इधर को लगे हुए हैं बाल। तो ये इस बार भी आए, पिछली बार भी आते? नहीं, हर साल आते हैं बाल, मेरी डिजाइनिंग चेंज होती रहती है हर साल। अच्छा। कुछ ना कुछ नया आता रहता है, हर बार आएगा। एक बार पगला आया है, पगला है, मलिंगा है। तो सबसे महंगा सामान क्या होगा आपकी दुकान पे? सबसे महंगा इसमें पंपी आते हैं, टैंक है, प्रेशर वाली गने हैं। अच्छा। साइज के हिसाब से बड़ी बड़ी, हाँ, 1,000-1,200 तक की गने हैं। तो लोग खरीदते हैं उसे? हाँ, बहुत प्यार से खरीद के ले आते हैं, बच्चे आते हैं ले जाते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, आपका नाम? बीसु शर्मा। सर, होली नज़दीक है और पूरा जो हल्द्वानी बाजार है वो सज गया है, मार्केट में इस बार क्या कुछ नया आया है होली को लेकर? कल एकादशी के उपलक्ष्य में आज गुलाल सबसे ज़्यादा बिक रहा है, और बच्चों की डिमांड पबजी, मोटो पतलू, पिचकारी में, और बाल आ रहे हैं इस टाइम, बाल बिक रहे हैं, स्प्रे, सबसे ज़्यादा डिमांड ये है इस टाइम बच्चों की, पबजी और मोटी पतलू। अच्छा, तो मतलब जो गेम्स ऑनलाइन बच्चे खेलते हैं वही अब मार्केट में? पिचकारी में आए हुआ है, टैंक आए हैं टांगने वाले, बंदूक आई हुई है, प्रेशर वाली बंदूक आई हुई है। तो स्टार्टिंग कितने से, अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो सबसे कम प्राइस का क्या है और सबसे हाईएस्ट प्राइस क्या है? 50 रुपये से स्टार्टिंग है पिचकारी में, बच्चों के खिलौनों में 50 से स्टार्टिंग है और 750 रुपये तक खत्म है हमारे पास। अच्छा, तो सर 750 का सबसे महंगा सामान आपके पास क्या है यहाँ पे? इस टाइम टैंक होंगे हमारे पास, टैंक लगे हुए हैं, पबजी वाले और स्पाइडरमैन वाले,
तो ग्राहक का रिस्पांस कैसा हो रहा है? ग्राहक आ रहे हैं? ग्राहक बहुत बढ़िया, आज काम बढ़िया है, संडे को भी काम बढ़िया था, काम बढ़िया हो रहा है, होली इस बार बढ़िया है। अच्छा, मतलब होली पिछले साल के मुकाबले इस बार बढ़िया, इस बार बहुत बेस्ट है। अच्छा, अगर मैं प्राइस रंगों की बात करूँ तो जो कलर्स आपने लगा रखे हैं, ये हर्बल होता तोता कंपनी का, ये 200 रुपए किलो है, महंगा वाला बढ़िया वाला होता है। और जो पैकेट्स में मिल रहे हैं? हाँ, 20 रुपए का 100 ग्राम है। 100 ग्राम है। पक्के रंग भी होते हैं वो भी? हाँ हाँ, कलर में है, तोता कंपनी का है, मुरली का है, 10 रुपए की डब्बी आती है उसकी, 50 की डब्बी आती है। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर सही है। हाँ हाँ। अभी जो बीते महीने यहाँ पे हल्द्वानी में घटना हुई थी उसका असर पड़ता हुआ दिख रहा है क्या मार्केट? अभी तो फिलहाल नहीं दिख रहा है, आगे पता नहीं, अभी तो नहीं है, आप कम बढ़िया इस टाइम में। चलिए ठीक है, थैंक यू मैम। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से हल्द्वानी की मार्केट में होली की धूम देखने को मिल रही है। जो व्यापारी है वो काफी खुश यहाँ पे नजर आ रहे हैं क्योंकि होली में अभी लगभग 5 से 6 दिन है और ऐसे में जो व्यापारी है उनका जो व्यापार है वो अभी से ही अच्छा चल रहा नजर आ रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि होली तक अच्छा कारोबार इस बार होने वाला है। तो ये थी JJN की खास ग्राउंड रिपोर्ट। मैं निशा अपनी सहयोगी पूजा के साथ JJN न्यूज हल्द्वानी। नमस्कार।